अरे मैं भी चलूँ। और गाइस यार भाई साहब यहाँ पे देखो कई सारे लोग व्हीलचेयर वाले भी आए हैं दर्शन करने के लिए। गाइस यार भाई साहब अभी देखो 9:30 बज गए और गाइस यार मैंने अपना कैंपिंग टेंट लगा लिया है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। गाइस 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 सो गाइज यार अभी देखो भाई साहब मैंने आपको सीन तो दिखा दिया और मैंने भी देख लिया। अब गाइज यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और भाई साहब रामेश्वरम पहुँचते हैं। गाइज यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं अकेला रुका हूँ ये मतलब व्यू देखने के लिए। यहाँ पे गाइज कभी कई लोग रुके हैं। यहाँ पे देखो एक कार, दो तीन कार रुकी हुई है और कुछ लोग देख रहे नज़ारा। और भाई साहब सामने बहुत सारे कार रुके हुए हैं। तो भाई साहब मैं आपको यहाँ से अभी ले कर चल रहा हूँ रामेश्वरम। गाइज क्या नज़ारा है, मेरा तो एकदम मन खुश हो गया भाई। फिलहाल गाइज एक बार और दिखाता हूँ आपको ये व्यू देखो गाइज। आप लोगों को ना अपनी आंख से आके देखना चाहिए भाई, आंख से देखने में कुछ और ही मजा है। मतलब लाइव देखने में और वीडियो में देखने से बहुत फर्क पड़ता है भाई। क्या वाइब है, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना कि पूछो मत। तो चलो गाइस फिलहाल लेके चलते हैं आपको फिर से यहाँ से। मेरे को गाइस डायरेक्ट रामेश्वरम की लिफ्ट मिली थी बट भाई साहब मैं रास्ते में उतर गया और ये व्यू देखने के लिए रुक गया गाइस। चलो फिलहाल यहाँ से आपको लेके चलते हैं। सो गाइस यार रामेश्वरम की फिर से लिफ्ट मिल चुकी है, चलो फटाफट पहुँचते हैं गाइस। और लोकेशन तो आपने देखा ही होगा, क्या खतरनाक लोकेशन है भाई। गाइज यार अभी देखो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूँ रामेश्वरम। और गाइज यार ये है रामेश्वरम का बस स्टैंड। भाई साहब यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। और गाइज यार जितनी भी बस आती है भाई साहब रामेश्वरम के लिए यहीं पे आती है। तो गाइज यार अभी भाई साहब यहाँ से मैं लोकेशन देखता हूँ जहाँ पे मेरे को घूमने को जाने रहेगा और भाई साहब वहाँ पे चल के वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करते हैं। और भाई साहब यहाँ पे देखो ये सब ऑटो स्टैंड है और गाइज यार बाजू में ये मतलब बस स्टैंड। तो भाई साहब आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हो और ये है यहाँ का कुछ नज़ारा। तो गाइज यार देख सकते हो आप लोग। और भाई साहब धूप बहुत ही कड़क वाली है तो काफ़ी ख़तरनाक गर्मी हो रही है। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करते हैं उसके बाद यहाँ से चलते हैं गाइज। सो गाइज यार अभी देखो भाई साहब मैं आपको लेके चल रहा हूँ गाइज रामानाथ स्वामी टेम्पल। गाइज यहाँ का बहुत ही फेमस मतलब टेम्पल है। तो भाई साहब वहाँ चलते हैं। और गाइज यार वहीं बाजू में ही समंदर है भाई साहब, वहाँ मतलब बीच भी है और वहाँ पर ढेर सारा मच्छी मारने वाली नाव है और भाई साहब वहाँ मच्छी भी मारते हैं। तो गाइज यार मैं लेके चलता हूँ भाई साहब आपको दिखाता हूँ रामा स्वामी टेम्पल, जो कि मतलब जिसकी वजह से रामेश्वरम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गाइज यार अभी इसके बाद भाई साहब धनुषकोड़ी भी जाना है बट धनुषकोड़ी गाइज हम कल जाएंगे। यहाँ से भाई साहब लगभग 20 किलोमीटर है जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, लास्ट गाँव है और वहाँ से भाई साहब श्रीलंका का मतलब वो दिखता है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं गाइज, लिफ्ट लेते हैं। और भाई साहब अभी यहाँ से वो टेम्पल लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के आसपास है। तो गाइज यार यहाँ पे छांव दिख रहा है, यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और भाई साहब यहाँ से चलते हैं। और गाइज यार धूप काफ़ी तगड़ा है भाई, 4 बज गए हैं फिर भी मतलब धूप काफ़ी तगड़ा है। तो इसकी वजह से हम यहाँ छांव में खड़े होकर लिफ्ट लेंगे। और गाइज यार कोई आता है तो उसको रुका के भाई साहब चलते हैं। और गाइज यार मैं सुना हूँ जहाँ तक कि भाई साहब तमिलनाडु में ठंडी पड़ती नहीं है भाई, ठंडी का नामो निशानी नहीं है। तो गाइज यार यहाँ से खड़े होकर लिफ्ट लेते हैं और भाई साहब चलते हैं। और गाइज यार धनुषकोड़ी भी कल चलेंगे, धनुषकोड़ी काफ़ी खूबसूरत जगह है तो वहाँ पर कल चलेंगे भाई साहब। यहाँ से लिफ्ट लेते हैं। अन्ना 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 रामानाथ स्वामी टेम्पल। बस में आना पड़ेगा, बस में आना पड़ेगा, बहुत दूर है, बाइक नहीं जाता है, बाइक नहीं जाएगा उधर, बस में जाओ। आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं? छोड़ोगे मुझे वहाँ तक जहाँ तक जा रहे हो? जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ तक छोड़ोगे? हम नजदीक में, इधर ही में जाएंगे, नजदीक में जा रहे हो? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो गाइज ये नहीं जाएंगे भाई साहब, ये बोल रहे कि बस पकड़ के जाओ। तो गाइज यार देखते हैं, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है तो कोई आता है बाइक वाला तो उसको रुकाते हैं भाई। देखते हैं कोई बाइक वाला आएगा तो रुकाते हैं उसको। पीछे सामान लादा हुआ था भाई। चलो फिलहाल देखते हैं, कोई ना कोई तो रोकेगा गाइस। वहाँ से भाई साहब यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो कोई ना कोई तो रोकेगा, वो भी सामान लादा हुआ है। फिलहाल देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्राई करते हैं। अना वेर आर यू गोइंग? अना रामानाथ स्वामी टेम्पल।
महंगा पड़ा, महंगा पड़ा। हिंदी नहीं, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश या रामानाथ स्वामी टेम्पल। ओके थैंक यू। तो गाइस यार लिफ्ट मिल चुकी है भाई साहब, चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और गाइस यार मेरे फेवरेट बाइक पे रॉयल इनफील्ड पे भाई साहब लिफ्ट मिली है, मेरा ड्रीम है गाइस एक दिन जरूर लूँगा रॉयल इनफील्ड। चलो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। सो गाइज यार अभी देखो भाई साहब मैं लिफ्ट लेके फाइनली पहुंच चुका हूँ रामानाथ स्वामी टेम्पल। और ये है गाइज रामानाथ स्वामी टेम्पल, जो कि गाइज यहाँ पे चार गेट है भाई साहब, बट सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज यार बैग लेके मतलब अंदर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो पहले चलते हैं आपको बीच घुमाते हैं, उसके बाद भाई अंदर जाएंगे अभी शाम के टाइम पे। तो ये है बीच पे जाने का रास्ता। और गाइज यार ये है यहाँ की कुछ मार्केट, तो फिलहाल चलते हैं गाइज वहाँ पे, मतलब मंदिर में जाने के लिए चार दरवाजे भाई, तो पहले चलते हैं बीच पे घूमते हैं, उसके बाद भाई साहब चलेंगे मंदिर में घुमाएंगे आपको। तो गाइज यार देखो भाई साहब अभी मैं बीच के किनारे आ गया हूँ, और ये है यहाँ का कुछ मार्केट। देखो भाई कितने सारे माले मिल रहे हैं, माले मतलब हार गाइज। क्या ब्रदर वेयर आर यू फ्रॉम? राजस्थान। ओके सो गाइज यार मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये है देखो बीच। यहाँ पे भाई साहब काफ़ी लोग मतलब स्नान करने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। GoPro, 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 क्या? सो गाइस यार अभी देखो भाई साहब यहाँ पे कितने सारे लोग नहा रहे हैं, और भाई साहब यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ बनाई हुई है काफ़ी, मतलब पूरा समंदर इधर पे भाई साहब दुनिया ही नहीं है गाइस, पूरा दुनिया ही गायब है। और गाइस यार कल चलूँगा धनुषकोड़ी, तो धनुषकोड़ी में और भी भाई साहब मतलब पूरा एकदम लास्ट पड़ जाता है, उधर से फिर डायरेक्ट श्रीलंका आ जाता है। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग मतलब नहा रहे भाई साहब, स्नान कर रहे हैं, सब लोग मंदिर से आए हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। और इधर के बाद भाई साहब दुनिया नहीं है गाइस यार, यहाँ पे भाई साहब इतने लोग नहा रहे हैं ना, मेरा भी नहाने का मन कर रहा है। और गाइस यार यहाँ पे देखो कितने सारे बोट खड़े हैं भाई, सब मछली मारने वाले हैं, सब मछली मारने वाले हैं। और गाइस यार यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे नाव चल रहे हैं, बाकी वो सब मछली मारने वाले हैं। तो गाइस यार इधर पे बहुत सारे हैं भाई साहब, मैं आपको इधर पे लेके चलता हूँ पहले घुमाने के लिए। पहले गाइस इधर चलते हैं, घूम के आते हैं, उसके बाद भाई साहब इधर चलेंगे। तो पहले इधर चलते हैं भाई, और देखो कितने सारे लोग नहा रहे हैं। और ये देखो कुछ पूजा हुआ है, तो फिलहाल के लिए चलते हैं गाइस। सो गाइस यार भाई साहब अभी देखो ये वाली जो नाव दिख रही है ना, ये गाइस यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, और भाई साहब यहाँ से टिकट लेके उस नाव पे जाके बैठना पड़ता है। और गाइस यार वो नाव लेके जाती है भाई साहब आपको समंदर में घुमा के लाती है। और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं भाई साहब, ये बस जो है ये टूरिस्ट वाला है। तो गाइस यार अभी लेके चलता हूँ मैं आपको और किनारे घुमाता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे देखो कितनी सारी घूमने वाली नाव है, ये सब मछली वाली नाव है भाई साहब, और वो घुमाने के लिए लेके जाती है। और भाई साहब इधर पे जितनी सारी वो सारी दिख रही है, वो सब मछली मारने वाली नाव है। तो फिलहाल मैं आपको इधर लेके चलता हूँ घुमाने। और गाइस यार यहाँ पे जहाँ पे भाई साहब मैं चल रहा हूँ ना, ये देखो समंदर के किनारे ये ऐसा घूमने के लिए बनाया हुआ है, और रात को भाई साहब देखो बैठने के लिए भी बनाया हुआ है। और रात को गाइस यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा व्यू रहता होगा। और बगल में है भाई साहब सड़क, यहाँ से जाने के लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पे घूमने के लिए बनाया हुआ है। और गाइस यहाँ पे ना भाई साहब दारू की बोतल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि रात को इधर सब पी के पड़े रहते हैं। और गाइस यार यहाँ पे भाई साहब जो रामेश्वरम जो मंदिर है ना, वो भाई साहब है शिव भगवान की। इधर पे देखो साइड में पूरा पानी भरा हुआ है, और ये गाइस नाव है, देखो कितना सारा नाव दिख रहा है समंदर में भाई, ये पूरा रेत भरा हुआ है। ओए होए होए आना मछली गाइस, अभी मछली मारने जा रहे हैं भाई, धक्का दूं आना मैं भी चलूं। ओए होए गाइस यार मछली मारने जा रहे हो? तमिल तेरी ना पाए तमिल तो ना तेरी। ओके शाबाश भाई साहब आना मैं भी चलूं। गाइस मेरे को नहीं लेके जाएंगे भाई, ये देखो ऐसे पूरा लेके गए ना, अभी उसमें बैठ के जाएंगे। अभी मछली मारने के लिए जा रहे हैं भाई, मछली मार के आए नहीं है गाइस। और देखो ये ऐसा बोटा रहता है, इस पे नाव को रख के उसके बाद जाते हैं मछली मारने के लिए।
तो फिलहाल के लिए भाई साहब ये वाला व्यू देख लो आप लोग, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। और गाइस यार भाई साहब अभी जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ ना, ये जो मतलब समंदर है इसका नाम है भाई साहब हिंद महासागर। और गाइस यार ये समंदर और भाई साहब यहाँ का जो मंदिर है रामनाथ स्वामी मंदिर, तो गाइस यार ये दोनों की वजह से भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और गाइस यहाँ पर ना कई सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत सारे लोग, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है भाई। मैं अभी आपको उधर दिखाऊँगा जहाँ पर नहा रहे हैं। और गाइस यार शाम के टाइम पे भाई साहब नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाएगा, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा शाम के टाइम पे जब लाइटिंग वाइटिंग पूरा जलने लगेगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। और गाइस यार ये है भाई साहब मेरे सामने हिंद महासागर, और यहाँ भाई साहब बाजू में उसके पीछे भाई साहब है मंदिर। तो गाइस यार अभी लेके चलेंगे आपको भाई साहब, थोड़ा सा सब्र करो बस। सो गाइस यार अभी देखो भाई साहब पूरा शाम हो गया, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया भाई, देखो पूरा मतलब एकदम मतलब छांव हो गया है। और गाइस यार यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है भाई साहब, यहाँ पे औरतें मतलब ना ऐसा मुंडन कर रही हैं भाई, मुंडन हो रही हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उधर पे, देखो इतनी सारी औरतें हैं भाई, वो उधर पे बहुत सारे लोग मुंडन हुए हैं। और यहाँ पे भाई साहब देखो अभी भी सारे लोग नहा रहे हैं। तो गाइस यार अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाई साहब मंदिर की तरफ, मंदिर घुमा देता हूँ। तो भाई साहब फिलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ, और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा शाम का। अभी भाई साहब धीरे धीरे मतलब पब्लिक आती है, नहाती है और फिर जाती है गाइस। तो फिलहाल मैं लेके चलता हूँ आपको वहाँ। और गाइस यार मैं आपको भाई साहब एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर पे शंख बिक रहा है, शंख, इधर की मार्केट दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये भाई साहब कितना खतरनाक दिख रहा है। आना ट्राई दिस देखूं, 100 रुपीस। ये भाई साहब देखो ये है 100 रुपीस का, और भाई साहब बहुत ही मतलब खतरनाक है। टिक गया भाई। और ये वाला भी 100 का, सभी 100। ये भाई साहब ये भी 100, कितने सारे शंख है भाई। और इधर देखो, इधर छोटे छोटे हैं, पूरे खतरनाक दिख रहे हैं। और ये देखो, ये भाई साहब जो ऐसा वो देखते हैं, वो वाला लग रहा है मेरे को। चलो फिलहाल चलते हैं आपको लेके यहाँ से। और यहाँ पे देखो गाइस कितने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग मतलब सब पैसा लेने वाले हैं, मांगने वाले। तो फिलहाल चलते हैं, देखो धीरे धीरे पब्लिक आती जा रही है। और गाइज यहाँ पे ना भाई साहब ये है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में गाइज मतलब बहुत सारे लोग, आधे से ज़्यादा मतलब हिंदी वाले मतलब हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मतलब चार धाम करने आते हैं ना, वो भाई साहब चार धाम में से एक ये भी है, यहाँ पे भी आना पड़ता है। और गाइज यार ये मंदिर बहुत बड़ा है, अंदर जाने के लिए भाई साहब लाइन लगाना पड़ता है पूरा। तो फिलहाल चलते हैं। और गाइज यार ये नाम, ये भाई साहब शिव, भगवान शिव का मंदिर है, और ये रामेश्वरम के नाम से क्यों फेमस है, क्योंकि गाइज मतलब जब श्री राम मतलब सीता को लेने के लिए भाई साहब लंका जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब लंका जाने से पहले मतलब जीतने की उसमें भगवान शिव की पूजा की थी, और यहाँ पे एक शिवलिंग मतलब शिवलिंग रख के पूजा की थी, तो इसकी वजह से यहाँ का नाम रामेश्वरम पड़ा है। और भाई साहब ये सामने मंदिर है, तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये है यहाँ का मार्केट, ये देखो भाई साहब कितने खतरनाक वो सब पूरा जो छोटे छोटे शंख होते हैं उनमें पूरा मतलब इकट्ठा करके बनाया गया है माला। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है भाई, इसको देखना पड़ेगा। तो चलो ये है कुछ नज़ारा। सो गाइस यार ऑलमोस्ट भाई साहब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ये देखो पूरा मतलब एकदम मतलब पूरा लाइन लगा हुआ है। और गाइस यार यहाँ पे पुलिस की चेकिंग लगी हुई है, मतलब चेक करके अंदर जाने देते हैं। और गाइस यार ये देखो ये है मंदिर का नज़ारा, तो भाई साहब यहाँ से ही दिखा देते हैं आपको। और गाइस देखो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, अंदर पूरा लाइन लगा हुआ है। ये है भाई यहाँ का मतलब मंदिर। तो गाइस यार देखो कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है भाई, और अंदर भाई साहब मतलब कैसा डिज़ाइनिंग किया हुआ है पूरा जो मूर्ति वाला, तो वो भाई साहब मैंने आपको भी बहुत मतलब जगह दिखाया है, तो सेम वही मतलब किया हुआ है, बट यहाँ पे कलर किया हुआ है गाइस,
ऑलमोस्ट कितना ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हो पूरा अंदर तक। वो ये वाला ये जो दिख रहा है ये भाई साहब जाने का एंट्री गेट है, यहाँ से जाते हैं। और भाई साहब एक एक गेट उधर पे दिख रहा होगा ये वाला, ये भाई साहब एक गेट इधर पे है और ऐसा मतलब चारों साइड चार गेट है भाई। मंदिर बहुत बड़ा है, तो फिलहाल ये आपको दिखा दिया। अभी चलते भाई साहब आपको थोड़ा और मार्केट घुमाते हैं। और गाइस आज रात मैं सोच रहा हूँ यहीं पर कैंपिंग करने के लिए, तो फिलहाल देखते हैं कहीं कैंपिंग के लिए जगह ढूंढेंगे, उसके बाद वहाँ पर कैंपिंग करेंगे भाई। गाइजर भाई साहब मेरे गोप्रो में और मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो चार्जिंग का ही करना पड़ेगा चार्जिंग का जुगाड़। तो फिलहाल चलते हैं पहले चार्जिंग का जुगाड़ करते हैं। और गाइजर ये मंदिर इसमें इतना बड़ा है भाई साहब ना कि अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसा मतलब पूरा चार गेट है, अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। और भाई साहब फिलहाल चलते हैं कहीं गोप्रो चार्जिंग करते हैं और मोबाइल भी चार्जिंग करते हैं। और ये है यहाँ का कुछ नज़ारा, ये देखो भाई साहब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। और ये देखो यहाँ से गाइज मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो ये है, ये भी है अंदर जाने का नज़ारा भाई, देखो काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है। गाइस यार मैंने जूते पहन रखे हैं और भाई साहब ये देखो ये नज़ारा दिख। और गाइस यार भाई साहब यहाँ पे देखो कई सारे लोग व्हीलचेयर वाले भी आए हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस यार ये है यहाँ का नज़ारा और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई, तो फिलहाल के लिए चलते हैं। ये देखो गाइस, गाइस यार अभी देखो भाई साहब पूरा रात हो चुका है और रात का माहौल यह है। और गाइस यार मेरा गोप्रो और मोबाइल दोनों चार्ज हो चुका है, तो भाई साहब अभी मतलब चार्जिंग हो गया है, तो अभी कहीं रहने का जुगाड़ करते हैं भाई साहब, कहीं कैंपिंग टेंट लगाने का जुगाड़ करते हैं। फिलहाल मैंने पुलिस वाले से पूछा भाई साहब, तो उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ पर कहीं लगा नहीं सकते, कहीं दूसरी जगह देख के लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं कहीं जुगाड़ करते हैं, उससे पहले गाइस मैं खाना खा लेता हूँ। तो गाइस यार खाना खा के मिलते हैं और भाई साहब जगह ढूंढ के मिलते हैं आपसे फिर बाद में। सो गाइस यार अभी देखो भाई साहब मैंने खाना वाना खा लिया और मैं लेके चल रहा हूँ आपको समंदर की तरफ। गाइस देखते हैं वहाँ का नज़ारा अभी शाम के टाइम कैसा रहेगा। तो भाई साहब यहाँ का नज़ारा तो ऐसा है, देखते हैं समंदर पर कैसा रहेगा। फिलहाल लेके चलते हैं आपको समंदर पर। और गाइस यार खाना यहाँ पर बहुत महंगा दे रहे भाई साहब, दो पराठा और थोड़ी सी सब्जी 40 रुपये, 20 रुपया पराठा भाई। चलो फिलहाल गाइस यार ये जगह भी पूरी पूरी खाली लग रही है भाई, ये देखो कोई कोई लोग दिख रहे थोड़े थोड़े बस इक्का दुक्का, और गाइस यार पूरी जगह खाली दिख रही है भाई। तो गाइस यार अभी बस एक चीज़ बचा है, अपने को कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी है, जगह ढूंढ के फिर मिलते हैं गाइस, उसके बाद फिर डायरेक्ट सो जाएंगे, कल लेके चलेंगे आपको धनुषकोडी। सो गाइस यार भाई साहब देखो यहाँ पे टेंट कहीं भी अलाउड नहीं है, और गाइस यार मैंने पुलिस वाले भाई से बात किया है तो यहाँ पे भाई साहब मेरे को टेंट लगाने देंगे। ये है गाइस मंदिर का गेट और भाई साहब यहाँ पे टेंट लगाने देंगे, बट गाइस एक रीज़न है कि मतलब 3:30 बजे मेरे को टेंट निकालना पड़ेगा। तो गाइस यार एक दिन सुबह उठ के देख लेते हैं भाई साहब और यहाँ पे टेंट लगाएंगे, वो भी गाइस 9:30 बजे के बाद टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि भाई साहब मतलब सुबह सुबह यहाँ पे मतलब 3:30 बजे मतलब 4 बजे तक पब्लिक आने लगती है मतलब दर्शन करने के लिए। तो गाइस यार यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे भाई साहब और अभी मतलब 9:30 के बाद भाई साहब 9:30 बजे के बाद, तो गाइस यार अभी 9:30 बजे के बाद हम लोग यहाँ टेंट लगाएंगे और गाइस यार यहाँ पे सोएंगे और भाई साहब सुबह 3:30 बजे उठ के यहाँ से चले जाएंगे। तो गाइस यार एक दिन सुबह उठ के देखते हैं भाई साहब माहौल कैसा रहता है। और गाइस यार मैं सुबह वीडियो एडिट करूँगा और सुबह वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी होगी तो ब्लॉग करने में मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल हम लोग मतलब अभी यहाँ पर टेंट लगाएंगे, अभी मतलब अभी अभी 8 बज रहे भाई साहब, तो मतलब 9:30 बजे टेंट लगाएंगे, उसके बाद गाइस यार यहाँ से 3:30 बजे उठ के चले जाएंगे। गाइस यार भाई साहब अभी देखो 9:30 बज गए और गाइस यार मैंने अपना कैंपिंग टेंट लगा लिया है। तो गाइस यार अभी भाई साहब मतलब 8 बजे मैं यहाँ से समंदर के किनारे बैठा था और भाई साहब अभी 9:30 बजने पे मैं यहाँ आ गया हूँ और कैंपिंग टेंट लगा लिया हूँ। तो गाइस यार चलो कैंपिंग टेंट में सब सामान रख दिया हूँ। सो गाइस यार देखो भाई साहब अभी मैंने अपना कैंप लगा लिया और गाइस यार अभी मैं कैंप के अंदर हूँ। तो भाई साहब ये है कैंप का कुछ नज़ारा और गाइस यार देखो पूरा कैसा दिख रहा है भाई साहब, मैंने पूरा सामान अपना इधर रख लिया है और गाइस यार कैंप में पूरा अंधेरा है, तो भाई साहब मेरे को अपना फ्लैश जलाना पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।